हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएक्सप्लोर्ड पहाड़ में। और दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी अनएक्सप्लोर्ड पहाड़ का अनएक्सप्लोर्ड कल्चर। इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे गढ़वाल में थौलू मेले कैसे होते हैं। हमारे इष्ट देव दुलेश्वर महादेव हमारे गाँव में पधारे हैं और उसकी वीडियो मैंने कलेक्ट करी है। दोस्तों मैं खुद इस मौके पर उपलब्ध नहीं था गांव में, इसलिए मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके लिए वीडियो कलेक्ट करी है। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। आप सबके प्यार से चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, तो अपना प्रेम इस प्रकार ही बनाए रखें दोस्तों। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंजॉय करिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स अ वेरी मच। तो दोस्तों आज रात्रि में हमारे इष्ट देव दुलेश्वर महादेव हमारी ग्राम सभा में पधारे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों कि चार गदे को हमारे यहाँ इसकी मेला होता है, थोलू होती है, यात्रा होती है, और फिर पांच गदे सीरा में होती है, यहाँ पर इसका भंडारण स्थान है। तो मतलब इस बैशाख के महीने हाथड़पट्टी में पूरी जगह घूमता है हमारा दुलेश्वर महादेव और इसकी यात्राएँ रहती है। फिर इसके बाद सात गते का मेला भी होता है, ये चार गते का गांव का होता है, फिर सात गते का दीवारी खोल के मंदिर में होती है। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ इस प्रकार नचाया जाता है, डोली को कंधे पे भी नचाते हैं, हाथ पे भी नचाते हैं, सर के ऊपर भी नचाते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये रात्रि का दृश्य है, तो एंजॉय करिए दोस्तों आप। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे इष्ट देव दुलेश्वर की कहानी जाननी है तो इससे पहले मैंने दादी जी के साथ इनकी कहानी का संवाद करा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसकी कहानी सुन सकते हैं मेरी दादी के मुख से। और अभी जो बाजा बज रहा है ढोल दमाऊ का, उसे बोलते हैं हमारी भाषा में खिनाकड़ी खिनाकड़ी खिनाकड़ी। मतलब इस बार हम कंधे पे नचाते हैं या इसको सर के ऊपर नचाते हैं, ये फास्ट वर्जन होता है नचाने का। खिनाकड़ी 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 गिर्द खिनाकड़ी खिनाकड़ी गिर्द खिनाकड़ी ऐसा बोलते हैं। फ्रेंड्स चार गते बैसाख की थौलू में आपका फिर से स्वागत है। जो आपने इससे पहले वीडियो देखी वो कल रात्रि की थी जिस समय इष्ट देव दुलेश्वर ग्राम सभा में आए, और आज पूरे दिन भर इसका नाच गान चलता है तांदी के साथ, राशों के साथ। तो एंजॉय करिए दोस्तों वीडियो को। और फ्रेंड्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि वीडियो मतलब उस रेशियो में नहीं सूट कर रखी है जिस रेशियो में यूट्यूब में आती है 16:9 का, क्योंकि ये फ़ोन के लैंडस्केप मोड में सूट नहीं कर रखी है, इसलिए ये लेटी भी कर रखी है मैंने रोटेट, नहीं तो आधा स्क्रीन में आ रही थी, इसलिए थोड़ा असुविधा के लिए खेद है दोस्तों। लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी है उतना इंजॉय करिए आप।
फ्रेंड्स आप वीडियो में सुन रहे होंगे कि सीरा और गडोली इष्टदेव दुल्लेश्वर की जन्मभूमि है, ऐसा इस गीत में फरमाया जा रहा है सभी नौजवान साथियों के द्वारा, माताएं बहनों के द्वारा आंधी में जो लगे हैं। तो सुनिए दोस्तों आप इस गीत को जितना आपको समझ आता है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इनकी कहानी आपको बता दूं, वैसे इनकी कहानी तो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है, वैसे मैं बहुत छोटा हूं इनकी कहानी बताने के लिए, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसे यहां के जागरों में सुनने को मिलता है, यहां की पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है, हमारी दादी बूढ़ी जी लोग जो भी हैं वो सब बताते हैं कि जो इष्टदेव दुल्लेश्वर महादेव थे वह एक शिकारी हुआ करते थे। और एक बार की बात है जब बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी थी, गोरसिंगिया बर्फ बोलते हैं उसको, मतलब गाय के सींग तक बर्फ गिरी थी, और उस समय इनको शिकार करने को आतुर थे, फिर जंगल गए और जंगल में इनके साथ दो कुत्ते भी थे, गए और फिर वहाँ जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई, ये घर लौटने में असमर्थ थे, तो वहाँ पर इनको फरिश्ते मिले और वहीं से इनको हर ले गया था। और हम मैंने बताया होगा आपको हमारी हरमाली की छानियाँ हैं दोस्तों जहाँ, इसीलिए वहाँ का नाम हरमाली है, वहीं पर इनको मातृओं के द्वारा हर लिया गया था। तो ये छोटी सी कहानी मैंने आपको छोटे से शब्दों में बयां कर दी, और विस्तृत कहानी कभी दूसरी वीडियो में सुनाएंगे दोस्तों आपको, अगर भगवान दिवस देगा। और दोस्तों थौलू इसलिए खास होती है, कौथिक थौलू मेला जो भी है हमारे गढ़वाल में, इस समय क्या होता है हमारे गांव की जो भी ध्यानियाँ रहती हैं, बेटी बुआरी सभी लोग इस समय अपने मैता आते हैं, मायके आते हैं, और उस समय काफ़ी मिलनसार का त्यौहार रहता है, ये काफ़ी हंसनुमा त्यौहार रहता है, सभी लोग मिलते हैं, प्यार प्रेम के साथ रहते हैं और बहुत खुशी से इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों कुछ हमारा कल्चर। और फ्रेंड्स इन वीडियो के माध्यम से मेरा ये छोटा सा प्रयास रहता है, जो भी हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के कुमाऊं के जो भी कल्चर है ये संरक्षित रहे, लोगों की दृष्टि पटल तक ये पहुँचे, और जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं ये थोड़ा बचे रहे, और हमारी संस्कृति को ऐसे ही आगे तक पहुँचाए, ये छोटा सा प्रयास रहता है दोस्तों। अगर आपको यह कार्य अच्छा लगता है तो ज़रूर जुड़िए दोस्तों आपसे। अब समय हो चुका है शाम के 5:30, अब हमारे इष्ट देव दुल्लेश्वर ग्राम सभा सीरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो रास्ते में मोड़ रे मोड़ैया वाला कार्यक्रम जुड़ता है सड़क में,
और वहाँ पर देवता की मुड़ाई होती है, फिर उसके बाद सीरा के लोग आए रहते हैं, फिर वो देवता को पिक करते हैं और सड़क में भी काफ़ी झूमते हैं दोस्तों, गांव के सभी नाचते हैं, सड़क में भी देवता को नचाते हैं, तो देखिए आप। और ये सारा नाच गान विदाई के समय है दोस्तों, हम अपने देवता को हंसते हंसते खुशी खुशी नाचते नाचते विदा करते हैं ग्राम सभा सीरा में, जहाँ पर उनका भंडारा है। तो सारे ग्रामवासी सड़क में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, नचा रहे हैं देवता को। इस प्रकार मनाई जाती है हमारे गांव की फौगु। फ्रेंड्स, इस प्रकार मनाया जाता है कुछ हमारे यहाँ मेला, थौलू या कौथिक बोलते हैं। और दोस्तों, लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।